असली रूप देखो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन बाबर राइडर, आपका अपने चैनल में स्वागत करता है। जय जय शिवशंकर, काटा लगन कंकर और अनुशन से जय भोलेनाथ सबके साथ। आशा करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामकाज में व्यस्त होंगे। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है, मैं इस टाइम पहलगाम बेस कैंप पे हूं और बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए आज हम निकल रहे हैं। कल आपको मैंने रात को बता दिया था, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हो मेरी तो गाइस जरूर देखें, आपको पिछली वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब आते हैं आज के टॉपिक पर। जैसा कि दर्शन करने के लिए हम सुबह 3 बजे उठ गए थे और अपना नहा धो के फ्रेश होके आराम से हमें अब इस टाइम 5 बज रहे हैं सुबह के, और थोड़ी देर में होटल की अभी गाड़ी आएगी या तो हम जस्ट 250 मीटर की दूरी पर नीचे की साइड जाएंगे जहाँ पर हमें शेयरिंग गाड़ी मिलेगी या बस मिलेगी या फिर हम अपनी अलग से प्राइवेट कन्वेंस कराएंगे। फिर वहाँ से हम जाएंगे चंदनवाड़ी तक उस गाड़ी में बैठकर, और वहाँ से फिर करेंगे हम अपनी यात्रा प्रारंभ। ठीक है गाइज, और वीडियो में बने रहना, कहीं मत जाना, स्किप मत करना और बाबा के दर्शन जरूर करना। जो भी डिटेल होगी आगे, कुछ भी होगा, मैं आपको बताता चलता जाऊँगा। और रही इस होटल की, आपको मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता ही दिया है कि ये होटल कहाँ पर है, और अब भी थोड़ा बता देता हूँ। ये होटल है पहलगाम के बेस कैंप पे, जो पहलगाम का बेस कैंप है उससे थोड़ी सी पीछे यानी कि 250 मीटर की दूरी पर, यानी आधे से आधा किलोमीटर की दूरी पर यह है। और बहुत ही अच्छा लग्जरी होटल है, 3 स्टार, और मात्र 1000 रुपीज़ में हमने लिया है। और वैसे इसकी कीमत होती है, वैसे इसका रेंट होता है 2 से 2500 रुपये, और यात्रियों के लिए स्पेशल डिस्काउंट इन्होंने हमें दिया है। जो भी इस होटल का फ़ोन नंबर वगैरह मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप कॉन्टेक्ट कर लेना। तो दोस्तों चलते हैं बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय बाबा बर्फानी की जय हो, जय बाबा बर्फानी की जय हो, हर हर महादेव, बोल शंकर भगवान की जय। और देखो दोस्तों, आपको एक चीज और दिखा दूं, ये मैंने अपने बैग पे ये लाया था मैं बद्रीनाथ से, ये टूरिस्ट फ्लैग, लेकिन मुझे बहुत अच्छे लगे। पहले तो लद्दाख वाले होते हैं, ये है हमारे भगवान वाले महादेव ओनवश्य सर ओनवश्य ओनवश्य। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट्स में बताना। ये आगे चिपका देते हैं अपना होटल पे। ये है दोस्तों अपना होटल जो कल रात को हमने लिया था, मैं आपको फ्रंट का दिखा देता हूँ। ये होटल क्राउन प्लाजा, और देखिए क्या ग्रीन वैली है यार, क्या दिलकश नज़ारा है मेरे दोस्तों, मस्त वाला। अब मैंने कैप और चश्मा लगा लिया है भाई, ठीक है। कैसा लग रहा हूँ, अच्छा लग रहा हूँ ना सुबह सुबह।
हाँ दोस्तों, एक बात तो आपको बताना भूल गया, पिछली वीडियो तो मैंने बता दिया है, लेकिन अभी बता देता हूँ आपको। मैं इस ट्रिप पे यानी कि भोले बाबा के दरबार अकेला नहीं आया हूँ, मेरे साथ मेरे साथी आए हैं, मेरे दोस्त आए हैं और मेरे बड़े भाई समान जैसे मेरे दोस्त हैं ये, मतलब मेरे बड़े भाई भी हैं ये एक तरीके से, मेरे कहते हैं ना जिगरी यार, यारों के यार, ये विपिन जी हैं मेरे। तो ये मेरे साथ आए हैं, बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। जैन साहब जी जय हो। ठीक है दोस्तों, तो इस यात्रा पे हम दोनों भाई अपने साथ रहेंगे। जय बोले की तो करते हो यार, तुम तो चुप चुप रहते हो यार, पता नहीं की होता तुम्हारो है। तो दोस्तों सिर्फ ये देखिए, वो रहा अपना रास्ता थोड़ी दूरी पर, और जो गाड़ी वाला था यास भाई, वो हमको नीचे मिलेगा, थोड़ा सा बिजी हो गया वो अभी। ये देखो एक दिलकश नज़ारा और बेस कैंप, वो देखिए दोस्तों, ये आप जो टीन देख रहे हैं ना, ये जो बना हुआ ग्रीन ये पर्दा और ये टीन की चद्दर, ये सारा रास्ता जा रहा आगे बेस कैंप पे, वो सामने बेस कैंप है, और ये पार्किंग है, और ये बाबा के चरणों से आ रही है नदी बहते हुए खलखल करते हुए। क्या दिलकश नज़ारा है दोस्तों, आ गए मज़ा। हम थोड़ा एकांत में सोना चाहते थे, मस्त जगह सुनसान वादी में सोना चाहते थे एकदम, जहाँ पर कोई शोर शराबा ना हो। थोड़ा सा बेस कैंप पे थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी भीड़ क्राउड था, इस वजह से हम वहाँ पर स्टे नहीं किया। तो दोस्तों हम चंद्रमाड़ी पहुँच गए हैं और गाड़ी से उतर गए हैं, आपने देख लिया होगा। और अब देखिए दोस्तों, यहाँ से अपनी होगी यात्रा स्टार्ट। ये देखिए वेलकम टू यात्रा अपनी अमरनाथ जी की, बाबा बर्फानी जी की, जय बाबा। यहाँ से रास्ता जाएगा दोस्तों, एंट्री होगी अपनी बाबा बर्फानी की। ये सारे जा रहे हैं, ये ऐसे यार। जय या जय बोलेगा। आज बोले यही असली हरियाणा जा मिलता है दूध दही का खाना। दोस्तों यहाँ से हमारी यात्रा स्टार्ट होती है बाबा बर्फानी की, जो अपनी यात्रा है 24 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक है। और दोनों भाई पैदल चलेंगे और थोड़ा सा कुछ हल्का फुल्का नाश्ता वास्ता कर लेते हैं। हमने सुबह से कुछ न चाय पिए न कुछ खाया है, और आपको टाइम बता दूँ क्या हुआ, 6:45 का टाइम है। अब देखते हैं आगे कब तक पहुँचते हैं। सचिन बाबा राइडर, जय भोले की बोलो। जय भोले। हमें तो इन भैया के साथ चल रहे हैं, हमारे वीडियो बनाते हैं भैया। बब्बम भोले, बम विश्वनाथ। थोड़े थोड़े आपको अच्छे अच्छे नज़ारे भी दिखाता चलता चला जाऊंगा। आपने जो पिछली वीडियो में देखे होंगे, तो दिल्ली में जो दिल्ली से चले थे हमारे साथ ट्रेन में, इसी गाड़ी में बैठे थे हम, इसी कोच में सॉरी, तो ये भोले वहीं हमें मिले थे। और देखो क्या चमत्कार भोले का, और हमारे साथ ये यात्रा पे चल रहे हैं। हर हर महादेव। हमारी भाई के साथ पहली यात्रा है, और हमें बहुत खुशी भाई से मिल के, और बहुत बहुत भोले की। देख रहे साथ साथ चल रहे हैं, साथ साथ कृपा है जो आज साथ में चल रहे हैं। और ये यात्रा हमें याद रहेगी, हमारी पहली यात्रा सचिन भाई के साथ। बिल्कुल सचिन बाबा राइटर, सचिन बाबा राइटर। हर हर महादेव। हर हर महादेव।
जलंधर से पंजाब। अच्छा, और बढ़िया यात्रा। कहाँ कहाँ घूमे? पहलगाँव में। और उतराई? उतराई बाल डाल की बाल मशीन में जाएंगे घूमने। ओके, जय भोले की। बाबा जी पॉइंट ऑफ व्यू नौ बोले है और मैंने पहले ले लिए देखो लॉलीपॉप ट्रॉफी। लो जी, अभी हमें ट्रॉफी और लॉलीपॉप मिले और उसके बाद देखो ड्राई फ्रूट। लो जी ले लेते हैं जी। क्या मिला बोले? दवाई फ्री, दवाई फ्री। हाँ, फ्री में जितना यात्री जा रहा है सबको सुरक्षा के लिए दवाई दे रहे हैं हम लोग। अच्छा। भारत सेवा श्रम संघ बालीगंज। सांस थोड़ा सांस मिलने का सांस चढ़ने के लिए दवाई है, लेकिन वो हम लोग 50 प्लस के ज्यादा लोगों को देता हूँ। हाँ, क्योंकि हाँ, उनसे नीचे किसी को नहीं देता। जो हमारे भाई 50 प्लस से ही है। हाँ, उन लोगों के लिए दवाई चाहिए। दवाई फ्री मेडिसिन, दांत का दवाई, बुखार का दवाई, लूजन का दवाई, गैस का दवाई, खांसी की दवाई, दवाई दवाई लीजिए। दवाई फ्री मेडिसिन, यहाँ पर फ्री मेडिसिन। और पुलिस पोस्ट चंदनवाड़ी, ये पुलिस पोस्ट चंदनवाड़ी। क्या दृश्य हैं अमरनाथ बाबा के धाम के, मजा आ गया। लो यहाँ पर भी आ गया है अपना जिगजैग रूट। वो दिख रहा है ऊपर बेस, ऊपर वो येलो कैंप सा दिखाई दे रहा है, येलो कैम से दिखाई दे रहा है। मुझे लग गई थी गर्मी, मैंने अपना अंदर का इनर भी निकाल दिया और कैप मैंने यहाँ लटका ली और चश्मा भी, ठीक है। और वैसे भी ये बैग भारी हो रहा है अपना, 15 से 20 किलो का होगा, बैग ही मार जाता है हर बार। हर बार सोचता हूँ कि कम लाऊं कपड़े, कम लाऊं, वैसे कम इतना लाऊं फिर भी भारी हो ही जाता है, ना जाने कब कोई चीज़ काम आ जाए पहनने के लिए। ये होता है, बारिश भी है, गीले हो जाते हैं कपड़े, कुछ भी हो सकता है। ये हमारे विपिन भाई जी एकदम मस्त चल रहे हैं। हाँ, ये देखिए दोस्तों, मैंने कहा था जिग-जैग रूट चालू हो गया है, वो देखिए ऊपर, मैं आपको फोकस करके दिखा दूँगा जो आपको थोड़ा ठीक दिखे। तो ये दोस्तों देखो जिग-जैग रूट यहाँ से स्टार्ट हो गया पूरा प्रॉपर, आप देख सकते हैं। अभी आपको मैं नीचे से भी दिखाता हूँ, वो देखिए ऊपर तक आपको मैं फोकस करके दिखा देता हूँ। वो जरा जिग जैग है। और दोस्तों ये है पिशू टॉप ऊपर, दोस्तों जहाँ से हमने चढ़ाई करी थी, चढ़ाई से लेकर और पिशू टॉप तक ये है 4-4.5 किलोमीटर, एकदम कठिन चढ़ाई, खतरनाक, देख सकते हैं आप। जितना ऊपर चढ़ रहे हो नज़दीक से जिग जैग पिशू टॉप तक। ये देखिए दोस्तों सीमा सड़क संगठन पिशू टॉप अपना, ये है 11,000 फुट पर 1 किलोमीटर, और जाजीपल 11,000 फुट 500 मीटर, और अपना शेषनाग 12,500 फुट के दायरे में, ये है अपना 10 किलोमीटर। बाकी आप पढ़ लेना, हर हर महादेव, हर हर महादेव। को थोड़ी सी प्यास लगी है और उससे होता तो मुझे लगी है, क्योंकि चढ़ाई करते वक्त प्यास तो लगेगी लगेगी, और आपको पानी भी पीना जरूर है क्योंकि डिहाइड्रेशन का दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए देखिए उसको, आप सोचोगे कि हमें प्यास नहीं लग रही है, लेकिन आपको पानी पीना है, जरूरी पीना पड़ेगा आपको।
प्यास लगने लगे, पानी पीना ही पीना है। देखो दोस्तों, वहाँ से इतने दूर आ गए हैं अभी हम, और पिसु टॉप पहुँचने वाले बस कुछ ही देर में। वो आगे जय बोले। तो दोस्तों वेलकम यू टू पिसु टॉप। तो दोस्तों अब हम पहुँच चुके हैं अपने पहले पड़ाव पर, पिसु टॉप पर। इसके बाद हम जाएंगे थोड़ा रेस्ट करने के बाद अपना शेषनाग तक पहुँच गए। एक पड़ाव पास, और अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा सिनेमेटिक शॉट्स और टाइमलेस ले लेता हूँ, ताकि आपको भी थोड़ा यहाँ पर खूबसूरती दिखे, थोड़ा मजा आए। पर थोड़ा सा जलपान कर लेते हैं हल्का फुल्का, फिर ऐसे चलेंगे शेषनाग जो है 9 किलोमीटर। टॉप मेडिकल की सुविधा भी यहाँ पर, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो इमरजेंसी एड सेंटर है यहाँ पर। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, पहले से बताते चलते आ रहा हूँ कि भोले की मेहर हम पे बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा, और अब भी मेहर है। वो क्या मेहर हुई है पता हूँ, जब से हमने चढ़ाई करी है अपना चंदनवाड़ी से लेके पिसु टॉप तक, बिल्कुल बारिश वगैरह कुछ नहीं हुई है, ना कोई इतनी ठंड लगी है, ना कोई हमें बर्फ़ मिली है, बिल्कुल सूखा मौसम और एकदम बढ़िया मौसम। और अभी थोड़ी देर पहले चमचमाती धूप भी निकली थी, बिल्कुल धूप थी, और अभी भी हल्की फुल्की धूप है, और मौसम बिल्कुल साफ़ है। कहने मतलब ये है बिल्कुल साफ मौसम। ये देखिए दोस्तों, बादल बिल्कुल छटे हुए हैं, एकदम बिल्कुल बढ़िया वाले। भोले बाबा बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हर हर महादेव। जय बाबा बर्फानी की जय। देसी खीरा देना। चलो नींबू रोक के मत डालो, ठोक के डालो, ठोक के डालो जल्दी। चलो ले लो, बहुत बढ़िया दोस्त। हेलो एनर्जी से भरपूर खीरा, पकड़ो प्लेट पकड़ो, 80 में बैठेंगे। निबो पानी, निबो पानी। आइए जनाब, कैसा लगा आपका? निबो पानी, वाटर बोतल, इनका मजा, फ्रूटी पानी की बोतल। दोस्तों सफर पे हल्का फुल्का ही खाना चाहिए, खासकर अपना खीरा ककड़ी भी खाते चले। वाटर बोतल, इनका मजा, फ्रूटी पानी की बोतल, हल्का जैसे फ्रूटी दूध की बोतल भी पीते चले। और हमने इस टॉप पे पता क्या खाया था, हल्के से दाल चावल थोड़े से, ताकि पेट हल्का सा भरा भी रहे, खाली भी रहे, चलने में कोई दिक्कत ना हो, सांस फूलता है ज़्यादा अगर भरपेट खा लो। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना।
लो जी भोले, ये दिलकश नज़ारा और देखो, बहुत ही बेहतरीन बाबा बर्फानी जी के यात्रा के दौरान। हर हर शंभु, हर हर महादेव, जय भोले। हर हर शंभु, हर हर शंभु। क्यों दोस्तों, आया मजा? इसी तरीके से आपको अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाता चला जाऊंगा। आपको तो पता ही है मैं अपनी वीडियो में खूबसूरती जरूर लेता हूँ, यानी कि वादियाँ, नेचर और खूबसूरती, ठीक है ना, ये जरूर कैप्चर करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर चढ़ाई पर पहली बर्फ़ दिखी हमें, यानी कि पहला ग्लेशियर दिखा है। और देखियो ग्लेशियर के नीचे से कितना जल आ रहा है, कितनी तेज नदी चल रही है, वाह। ये देखो दोस्तों, शीशनाग है, यहाँ से 4 किलोमीटर फिशू टॉप में हमने जलपान गृह करा था, वो शीशनाग थे 9 किलोमीटर और अब हैं 4 किलोमीटर, यानी कि हम पहुँच गए हैं यहाँ तक 5 किलोमीटर, और बाकी आप पढ़ लीजिए। तो दोस्तों एक और बहुत बेहतरीन नज़ारा, बढ़िया नज़ारे से भरपूर हमारे भोले बाबा, और बैठे हैं थोड़ी सी दूर। लो जी, एक बेस कैंप पे और पहुंच गए हम, जोजी बल पर, यहाँ और यहाँ से अपना शेषनाग जी 3 किलोमीटर की दूरी पर है। आप यहाँ पर आराम से विश्राम करें, अपना जलपान गृह करें, कुछ भी खाएं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं सजेशन दूंगा, अभी 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर चढ़ाई है, थोड़ा हल्का ही खाएं यहाँ पर भी, और थोड़ा यहाँ पर आराम करें, ठीक है। और वहाँ पर अभी डांस हो रहा है, और अभी हम भी नाचेंगे, पक्का डांस करेंगे। हर हर महादेव, हर हर भोलेनाथ है, चमत्कार करने वाला पोता दे दे। तो दोस्तों चल दिए हम यहाँ से, 1 मिनट धूप हो रही है यार, भोले बाबा ने पूरा साथ दिया है, अभी तक धूप हो रही है। 1 मिनट कुछ टाइम बता दूँ, 12:30 हो रहे हैं, और अभी हम पहुँचे जोजिलबल, और यहाँ से अपना शेषनाग जी 5 किलोमीटर दूरी पर। मैं गलत था उस टाइम, आपको बोल रहा था 3-3.5, नहीं 5 किलोमीटर यहाँ से शेषनाग जी। और बढ़िया मौसम, एकदम खुला खुला मौसम, ये देखिए मस्त मौसम। ठीक है दोस्तों, शेषनाग
उसको भाई इसी में रहेगी शॉर्टकट में। ये आ गया ग्लेशियर। ओ भाई ये आवड़ खोबड़ जो पत्थर वाले रोड थे ऊपर आ गए टॉप पर, थोड़ा सा टॉप रह गया, चढ़ जाएंगे भाई चढ़ जाएंगे। इतना आ गए और थोड़ा और आ जाएंगे, मतलब इतना और आ गए थोड़ा और चल जाएंगे। दोस्तों एक बात और बता दूं आपका, थकान नहीं चढ़ती है। पूछा क्यों? अगर थोड़ी सी थकान चढ़ती है ना, ये जो वादियों की ये शीतल हवा जो आ रही है ना, इतनी ठंडी हवा शीतल हवा शरीर पे जब लगती है ना, मानो छू के ऐसे निकलती है कि थकान लेके एकदम थकान उड़ा के निकलती है। ये ऐसी शीतल हवा है तो थकान कहाँ होगी इतनी। मज़ा आ रहा है वाकई वादियों में। धन्य भाई धन्य। लो जी दोस्तों शेषनाग भी पहुँच गए हैं और क्या दिलकश नज़ारा है, क्या सुंदर नज़ारा है यार, मज़ा आ गया कसम से। ये शेषनाग की झील देखने में बहुत ही अच्छा है, तो आप भी देख लो। ये देखिए ये है शेषनाग झील और ऊपर है शेषनाग बेस कैंप। ये झील के नज़ारे लिए और मैं आपको इस झील के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि इस झील में शेषनाग जी कैसे विराजमान हुए हैं। पौराणिक कथा के अनुसार देवी पार्वती को शिव जी अमरनाथ ले जा रहे थे अमर कथा सुनाने के लिए, और यह कथा जो सुन लेता वह अमर हो जाता। इस कारणवश नंदी को बैलगांव में छोड़ा और चंद्रमा को चंद्रवाड़ी में, इस नदी में शेषनाग को छोड़ा, इस कारण इस नदी का शेषनाग नाम पड़ा। ये पूरा दृश्य देखिए आप शेषनाग जी का, हाय 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 क्या बात है, ये है दिलकश नज़ारा। देखिए कितनी तेज हो रही है, सबने रेनकोट पहन लिए हैं और थोड़ी सी दूरी पर है इसके पर। और शेषनाग पे यार हमने क्या ऐसी चीज खाई है, मैंने तो खा ली है लेकिन भोले बाबा फिर बना के दे रहे हैं, एक प्लेट और लूंगा मैं। देखो क्या क्या चीज़ें दी है, एकदम आपको मन ऐसा करेगा कि बार बार प्लेट खाऊंगी। एक तो गरम गरम ऊपर से खस्ता पापड़ी और चाट मसाला, हल्की सी मिर्च, थोड़ा सा नींबू, मजा आ जाता है खाने में। मानो जितनी थकान हो गई इतनी थकान खत्म हो गई, खा के देखना भोले मुझे कैसा बना, बोले खा के बताओ कैसा बना। ये देखो ये पापड़ी आ गई ऊपर से, पापड़ी के साथ खाओ, पापड़ी के साथ ये है चीज। विपिन सर चीज बताओ, एक नंबर की है, ये है असली चीज, हल्की फुल्की बिल्कुल बढ़िया।
कभी नहीं खाया। इसे कहते हैं पेट भी ना भरे और मन भी ना भरे, ये वो चीज़ है, हल्की फुल्की मस्त वाली चीज़, ऐसी चीज़ खाते हुए। बोले कहाँ का है लंगर है? मेरठ का है। आगे दोस्तों शेषनाग बेस कैंप, ये देखिए, ये जितने भी आपको कैंप्स दिखाई दे रहे हैं और छोटे छोटे वो हट दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये झोपड़ी वगैरह, ये टीन वाले कैंप्स दिखाई दे रहे हैं, ये सब आपको रेंट में मिल जाएंगे। इसमें 500 रुपये प्रति बंदा है और बढ़िया सूखे बिस्तर सब, और वो वहाँ से चढ़ाई होती है अपने गणेश टॉप की। बैठ 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 खाट खाट में बैठना है, 600 रुपये। दोस्तों यहाँ कटेगी पर्ची, लिखा है ना 2000, यहाँ बेस कैंप के लिए सोने के लिए होगा, ओ दो बंदे की 1000। तो दोस्तों ये मैंने पर्ची कटवा ली है, पर्ची कटवा ली भाई, हाँ बिल्कुल कटवा ली, बढ़िया तरीके से, बढ़िया तरीके से, हम भी इसके सेवा के लिए इधर हैं। तो मैंने दोस्तों पर्ची कटवाई है पर हेड 500 रुपये वाली, यहाँ पर हेड 200 रुपये वाली भी है, वो जमीन पे सोने का है, लेकिन उन पर गद्दा रह जाए तो जरूर मिलेगी उस पर। लेकिन जो मैंने पर्ची कटवाई है, आप ही देखना किस चीज़ की कटवाई है। कहाँ भाई, कितने परसेंट आ गया है? वो आगे वाला है, दूसरा वाला टेंट लिया ना सिंगल वाला। ये देखिए दोस्तों, सचिन बाबा अगर कैंपिंग कहीं ना ले तो बेकार है ना, पर्सनल कैंप लिया अपना। ये देखिए बहुत लड़ना कैचुआ का, ये देखिए मस्त वाला, ये है, इसमें हम दो बंदे सोएंगे सिर्फ, ठीक है। ये पड़ा हमें 1500 रुपये में, 1000 की पर्ची कटवाई और जिसका टेंट है 500 रुपये उसको देने हैं। क्यों विपिन जी, बहुत बढ़िया, मज़ा आ जाएगा, भोलेनाथ ने बहुत बढ़िया जगह दी है। हाँ तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये टेंट? टेंट भी बहुत बढ़िया वाला है, देखो लेने वाला है कैंचुआ कंपनी का। अगर ये नहीं लेता टेंट तो दोस्तों हमें शेयरिंग में सोना पड़ता है, शेयरिंग में मतलब उसमें 10-15 बंदे सो रहे होते या ज़मीन पे या बेड पे। पर्ची आपकी 500 रुपये की ही कटेगी, लेकिन जो यहाँ पर ये कश्मीरी जो लोग हैं इनको थोड़े से फालतू पैसे दे के इनसे ये टेंट आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। और ये टेंट कहाँ पर मिलेगा आपको मैं बता दूँ, पर्ची कटवाने के बाद 10 कदम की दूरी पर ये कैंप, यहाँ पर ये वाले यहाँ मिल जाएंगे। अगर हम ये कैंप नहीं लेते तो हमें शेयरिंग में जाना पड़ता, और वहाँ पर अभी देख के आए थे इतनी बदबू, लोग बीड़ियाँ पी रहे हैं, इतना बदबूदार गद्दे उद्दे, वो मज़ेदारी नहीं रही। और दोस्तों यहाँ पर इतने बढ़िया कम्बल साफ़ सुथरे हैं, देखो आप कितना, देख मुलायम, हाँ मज़ा आ जाएगा, साफ़ सुथरा बिस्तर। और हम दो दो कम्बल लेंगे, यानी कि 4 कम्बल हैं, एक दो कम्बल नीचे बिछे, बड़ी आराम से नींद आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। और अभी थोड़ी देर में 7 से 8 बजे हम जाएंगे जो यहाँ पर शेषनाग जी पे बहुत ही बढ़िया लंगर लगते हैं, बहुत ही शानदार। तो थोड़ी बहुत डिटेल आपको मैं वहाँ की दूंगा, क्या क्या सामान मिलता है और क्या क्या खाने का कुछ है। भाई मच्छर मार रहे हैं नाना पाटीकर। तो वीडियो कैंड करता हूँ, और आपको पता नहीं क्या करना है, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट से बताएं कि आज की आपको वीडियो कैसी लगी है। चंदनवाड़ी से लेके शेषनाग तक, शेषनाग बेस कैंप तक मतलब, ठीक है। बहुत ही अच्छी अच्छी आपको मैंने सुंदर सुंदर आपको दृश्य दिखाए होंगे, दिखाए क्या आपने देखे होंगे। और एक कोशिश करिए आपको सुंदर सुंदर दृश्य दिखाने की, कि ये यहाँ के नज़ारे कैसे, बाबा बर्फानी के आपने देख ही लिए होंगे, क्योंकि भाई मैं तो अपनी आंखों से रियल देख रहा हूँ, आप कैमरे की आंखों से देखोगे कि आपको कैसा लगे। मुझे तो बहुत ही सुंदर लगे यहाँ के नज़ारे, और आप कमेंट से बताओगे कि आपको यहाँ के नज़ारे कैसे लगे हैं। और दोस्तों बहुत ही दिल से ये वीडियो बनाता हूँ मैं, ठीक है, ताकि आपको बहुत अच्छे लगे, और ख़ासकर बाबा बर्फानी के नज़ारे, ठीक है दोस्तों। और देख भाई तो अब थोड़ा सा आराम कर रहे हैं, थोड़ा गर्मी से ले रहे हैं, इन्होंने कैब वगैरह पैर रखी है। और अभी टाइम हुआ है 5:30, आपको मैंने बता दिया था। और हम यहाँ पर पहुँचे थे शेषनाग बेस कैंप में सिर्फ 3:30 बजे, 3:30 बजे पहुँच गए थे हम दोपहर के, ठीक है दोस्तों। तो अब कल सुबह मिलते हैं शेषनाग टू पंचतरणी तक, कल की यात्रा होगी अपनी। तो आ गया तो अपने सचिन बाबा राइडर को, जय जय शिव शंकर, काटे लगे न कंकर, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, सबके साथ जय हिंद।